कैसे भगवान, तुमने तो सब लोग दयालु कहते, तुमने हमारी माँ को अपने पास बुला लिया और अब पिताजी को भी, हमें भी अपने पास बुला लो, अब हमारा कोई नहीं है। अरे ऐसा नहीं कहते रज्जू, ऐसा नहीं कहते, जो लोग भगवान के सामने रोते हैं ना, उन्हें भगवान और रुलाता है और उसे बहुत गुस्सा करता है रज्जू। पर हमारा कोई नहीं है, कौन रोटी खिलाएगा, कौन प्यार करेगा? अरे फिर मैं किस लिए हूँ, मैं मेहनत करूंगा, कमाऊंगा और अपनी बहन को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अरे तुम तो रो रही हो, देखो हंस दो, हंस दो, हंस दो। भैया ये क्या है? ये अ से अमरुद। अ से अजीत भैया। अरे रज्जो की बच्ची, कम से कम मेरे बटन तो लगा दिया कर। अरे ये जो लोहे पत्थर का बदन बना रखा है ना, तो रोज रोज बटन टूटते हैं, अब तो कमीजें भी फटने लगेंगी। भगवान कितनी मेहनत मशक्कत से ये बदन बनाया है, ये पगली एक दिन जरूर नजर लगा देगी। छी छी छी, कैसी बातें करते हो भैया, कहीं बहन की नजर भी भाई को लगती है। लो मुंह मीठा कर लो, आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी, मुंह खोलो। आज जल्दी छुट्टी होने दो। मेरे शाम को आलू गोभी के पराठे, अचार, मक्खन, दही, बैंगन का भरता। अच्छा अच्छा पेटू राम। लो मैं पेटू इतना कहाँ खाता हूँ मैं। शाम को जल्दी आना, आज चाल वाले बसंत पंचमी का त्योहार मनाएंगे। तुमसे एक जरूरी बात करनी है, जरा बाहर। क्या बात है बड़े बाबू? रज्जो के लिए गिरधारी बाबू अपने लड़के की बात कर रहे हैं। कौन वो? कैलाश? वो तो सरकारी नौकरी करता है ना बड़े बाबू, किसी तरह ये रिश्ता तय हो जाए तो रज्जो के भाग जाएगा। बात पक्की ही समझो, रज्जो जैसी सीधी सादी और गुनी लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी। लेकिन लेकिन क्या? दहेज वहेज की बात नहीं, 2-4 हजार रुपया बरातियों पर खर्च करना होगा, बड़े आदमी है ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा, लेकिन आप किसी तरह ये रिश्ता तय करवा दीजिए। अरे बेटा
तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ, बचपन से तुम लोगों को अपना ही माना है, सब ठीक हो जाएगा। आइए आइए बड़े बाबू जी। ये है इस हफ्ते की रिपोर्ट और ये है आज का चार्ट। अरे हाँ बड़े बाबू, उस दिन आपके घर का खाना बड़ा जायकेदार था। क्या नाम है अपने फोरमैन का? जी अजीत, और उसकी बहन का नाम है रजनी। खाना उसी ने पकाया था जी। वो बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह है। सेठ जी, आज उनकी चाल में बसंत पंचमी का उत्सव है। अजी हाँ, ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया। आई एम वेरी सॉरी। अगर आप ना से समझें तो हर साल की तरह आज भी उन्हें आधे दिन की छुट्टी दे दीजिए। क्यों नहीं, छुट्टी मिलनी ही चाहिए। आप वर्करों से कह दीजिए, रिपोर्ट मैं देख लेता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोती जी, बसंत बहार लाती है। जी हाँ, आज हम भी चलेंगे। We'll be right back.
मालिक आप, हम गरीबों के बीच में। वैसे साहब जो है वो अमीर और गरीब को नहीं मानते, वैसे त्योहार के दिन सब एक होते हैं। हाँ, नमस्ते भाइयों। मोती अजी मिठाई बांट दो। बिल्कुल बिल्कुल, लो भाइयों साहब की तरफ से जी भर के मिठाई खाओ। भाई साहब जरा बांट दीजिएगा। थैंक यू थैंक यू। सुनो, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ ये उपहार इस त्योहार के मौके पर। मेरा मतलब है ये छोटी सी भेंट मेरे प्यार की निशानी समझो। ले लो ले लो ना। इतना कीमती हार आप मेरी बहन को अपनी बहन समझ कर दे रहे हैं ना जी? ओहो अजीत भैया, इसे त्योहार का उपहार समझ कर नहीं लेते तो अच्छे डांस का इनाम समझ कर ले लो। अगर इनाम देने का इतना ही शौक है तो हमारे मोहल्ले की दूसरी लड़कियां भी, कुछ ऐसे कीमती हार इन्हें भी दे दीजिए। मेरा मतलब है कि मैं तो, मुझे ना समझ मत समझिए सेठ साहब, मैंने जमाना देखा है। अजीत साहब, वो अजीत मेरा मतलब है कि तुम समझते क्यों नहीं, ये हमारे साहब का सरासर अपमान है जी। अपमान और सम्मान में थोड़ा सा फर्क होता है मोती, हम गरीब अपनी इज्जत बचाना अच्छी तरह जानते हैं। नमस्ते। चलो भाई चलो 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 चलो, अपने अपने घर का रास्ता लो। ठहरो अजीत, सेठ साहब का फोन आया है कि उस दिन बसंत पंचमी की वजह से काम कम हुआ था, इसलिए आज तुम लोग ओवरटाइम कर लो। ओवरटाइम? बात तो ठीक है बड़े बाबू, ठीक है कर लेते। अरे सुनो भाई, जाना नहीं, काम 10 बजे तक होगा आज। अच्छा भैया। रजनी, गजब हो गया रजनी, अजीत भैया का हाथ मशीन में आ गया। क्या? हाँ, बड़े बाबू और मैनेजर वहीं मौजूद है, तुम जल्दी चलो। रज्जो घबराओ नहीं, इतनी रात को अकेले मत जाओ, लल्लिया सुन तो किसी को साथ लेकर जाओ। रज्जो कहाँ है? जहाँ भी है मेरी मर्जी के खिलाफ हिल नहीं सकता। क्या मतलब? यह हार मैं तुम्हारे लिए उस दिन लाया था, लेकिन उस वक्त तुम्हारे भैया बीच में आ गए, दिल के अरमान दिल ही में रह गए। लेकिन आज मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया है कि जब यह हार मैं तुम्हारे गले में डालूंगा। अजीत भैया तो, लेकिन वो तो कहा था बोला तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। मेरा एक्सीडेंट? हाँ। रज्जो कहाँ है? वो बेचारी तो उन्हीं के साथ चली गई। मोती के साथ गई है? मगर वो अकेली गई क्यों? मधु ने तो कहा था लल्लू और संतू को साथ लेकर जाना। भैया मुझे दाल में काला लगता है। खबरदार जो मेरी बहन के बारे कुछ भी कहा। मेरी बहन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। एक मोती तू जानता है, पता कहाँ है मेरी बहन? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? हाँ मुझे नहीं मालूम। कहाँ है मेरी बहन? कहाँ है मेरी बहन? हालात और बयानात पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजम अजीत सिंह बलगंगा सिंह ने पुरानी दुश्मनी की वजह से मरहूम बलदेव सहाय पर कातिलाना हमला किया।
जिसकी वजह से अपना बचाव करते वक्त मरहूम बलदेव की मौत उसके अपने रिवॉल्वर की गोली से हुई, मगर इससे अजीत के गुनाह में कमी नहीं होती, इसलिए यह अदालत अजीत को 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। रो मत मेरी बहन, रो मत। हमारे भाग्य में ये लिखा था। भाग्य में नहीं, अंधे कानून में। मैं अपील करूंगा जीत। बड़े बाबू, आप जानते हैं मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ। मेरे वापस आने तक इसका ख्याल रखिएगा। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अजीत, रजनी मेरे बच्चों की तरह है, फिक्र नहीं करना बेटा। भैया, आज रक्षाबंधन है, मुझे आगे बहन को हथकड़ी वाले हाथों पर राखी बांधनी पड़ रही है। ये कैसा त्योहार है भैया? देखिए मेरी चिट्ठी आई होगी। नहीं नहीं, कोई चिट्ठी विटी नहीं तेरी। भाई साहब जरा गौर से देखिए ना। भाई साहब मत बोल। अबे तेरा कोई होता तब ना कोई चिट्ठी आती। रमेश, रजो सुबह से काम कर रही है, उसने कुछ खाया भी नहीं है। तू मां से कहियो इसे कुछ खिला दे। अच्छा मुझे देर हो रही है। तू नाश्ता कर चुकी? जी। जा अंदर जा। अरे वो बड़े बाबू की लाडली सुबह से 2.5 बर्तन लेके नल में घुसी बैठी है, अभी कितना समय नष्ट करेगी? चल जल्दी कर, अभी बाजार जाना है। मां सुबह से कुछ खाने भी दिया उस बेचारी को, या भूखे पेट ही लगी है? तू चुप रह। मैंने दुनिया देखी है, काम करके सब लोग खाते हैं, खाकर कोई काम नहीं करता। ये क्या सारे बर्तन गंदे हैं? तेरा मन नहीं लगता तो हाथ तो चला। माँ साहब चुप रह, चला जा यहाँ से। जल्दी जा। ये दाल है कि पानी? अरे दिखता नहीं, दाल है। दाल अगर ये दाल है तो पानी किसे कहते हैं मामू? देख जबान संभाल कर बोल, मामा तेरा कहीं जूते गाड़ रहा होगा। हाँ मैं ये जली रोटी नहीं लूंगा। जली नहीं, ये कड़क है। रंग दिखाई देता है? रंग क्या दिखाते हो? तुम्हारे बाप ने भी खाई है कभी? क्योंकि बाप का नाम लेता है। बहुत अच्छा, चलो जल्दी ले चलो इसको ऑफिस में। चलो जनाब, ले लो। तो ये शेर सिंह है? शेर सिंह ये नहीं है, वो है। बड़ा ही मजबूत आदमी है। बंधु तुम अपनी कीमत जानते हो? हाँ, जो खून की कीमत होनी चाहिए। तुमने किसका खून किया है? एक नीच और कमीने इंसान का। पागल हो तुम। जानते हो जब दो देशों में लड़ाई होती है तो दोनों तरफ के नौजवान हजारों लाखों इंसानों का खून कर देते हैं, मगर तुम्हारा ये समाज और कानून उन खूनियों को सोने चांदी के तमगे देता है। शेर सिंह तुम कहना क्या चाहते हो? कहना चाहता हूं कि तुम्हारे बाजुओं में बहुत ताकत है, इसका बराबर इस्तेमाल होना चाहिए। वो कैसे? बस मेरे जत्थे में शामिल हो जाओ, मुझे तुम जैसे आदमी की सख्त जरूरत है। मेरे साथियों ने मेरा यहाँ से भागने का इंतजाम भी कर लिया है। वो इंस्पेक्टर खत लाया था ना, वो इसी बात की कड़ी है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी तरह चोरियां करूं, डाके डालूं? शेर सिंह, मेरे मन पर जो घटनाओं का बोझ है, बोझ को लेकर मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। मैं अपनी सजा पूरी काट कर ही यहाँ से जाऊंगा। ना समझ, दीवाना है तू।
तुझे अपनी बहन का भी ख्याल नहीं? वो बेचारी अकेली है। नहीं शेर सिंह, वो अकेली नहीं है, बड़े बाबू के पास रहती है और बड़े बाबू उसे अपनी बेटी की तरह समझते हैं। उस घर में उसे जरा भी तकलीफ नहीं। अजीत सिंह, कोई बड़े बाबू तुमसे मिलने आए हैं। बड़े बाबू जरूर मेरी रज्जू की खबर लाए होंगे। अजीत बाबू, मेरी बीवी कहने लगी कि हमारे घर में जवान बिन ब्याही लड़की है, हम किस तरह ऐसी लड़की को अपने घर में रख सकते हैं। क्या बात है बड़े बाबू, साफ साफ कहिए ना क्या बात है। अजीत, ये बात रजनी ने सुन ली और उसी रात घर छोड़कर कहीं चली गई। नहीं नहीं बड़े बाबू, तुमने रजनी को रोका नहीं। रजनी तुम्हारे पास मेरी अमानत थी, बताओ कहाँ है मेरी अमानत, कहाँ है? मैं शर्मिंदा हूँ अजीत, मैं रजनी का पता नहीं लगा सकता। बड़े बाबू, मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने रजनी का ख्याल नहीं रखा। न जाने मेरी बहन कहाँ होगी, कहाँ भटक रही होगी बेचारी। शेर सिंह, तुम जेल से भागने का बंदोबस्त कर रहे थे ना? क्यों, कोई बुरी खबर लाए हो? हाँ, मेरी बहन घर छोड़कर कहीं चली गई है। अब इस दुनिया से भरोसा उठ गया है शेर सिंह, मैं इस जेल से किसी भी तरह भाग जाना चाहता हूं। फिक्र मत करो शेर सिंह, तुम्हारे लिए जान भी लड़ा देगा। शेर सिंह, thank you.
क्यों करते हो? तुमने तो अपना फर्ज पूरा किया कि शेर सिंह जैसा खतरनाक डाकू मारा गया, और वो दूसरा अजीत जो खून के इल्जाम में 5 साल की सजा काट रहा था, उसकी अपील की सुनवाई होने वाली थी। परेशानी तो उसकी है, छिपेगा कहां, एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। अजीत वही ना जो उस दिन शेर सिंह से भिड़ गया था? हाँ वही, बहुत शरीफ और दिलेर था। मेरा तो दिल कहता है कि वो बेकसूर था। अजीब बात है, अगर ऐसा है तो वो बेकसूर अपील से पहले एक खतरनाक डाकू के साथ जेल से भागा क्यों? उसको अपनी बहन से बड़ा प्यार था, और जब पता चला कि वो कहीं चली गई है तो रोने लगा, पागल सा हो गया, और उसके बाद ये दुर्घटना हो गई। तब तो उसके बहन पर नजर रखनी चाहिए, वो उससे जरूर मिलेगा। लेकिन उसकी बहन भी तो लापता है। ऐसे ओके, चलता हूँ मैं। इतनी जल्दी? एक केस के सिलसिले में आया था, आज रात को ही देशपुर वापस जा रहा है। मधु, अजीत भैया आ चुका है। वो तो मुझे भी नहीं मालूम। तुम जेल से भागा है? जब मुझे पता चला कि रज्जो बड़े बाबू के घर से चली गई। चली नहीं गई, निकाल दी गई, उसके लक्षण ही ऐसे। मधु तुम्हें तो पता होगा कहाँ गई हो, तुम्हें तो कुछ बताकर गई होगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया, पर अजीत भैया बड़े बाबू की औरत ने उसे इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया कि लोग उसके बारे में न जाने क्या क्या बातें कहने लगे, और इसीलिए शायद वो हमारे पास भी नहीं आई। यहाँ नहीं आई, कहाँ गई होगी वो हम नहीं जानते, पर मालक मकान ने पंचनामा करवा कर तुम्हारी खोली पर कब्जा कर लिया। कोई सामान तुम्हारा मधु ने रखा है वो ले लो। तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, निकालो मां, निकालो, जल्दी करो। जेवर, जान और इज्जत की कीमत सिर्फ 100 रुपया? तो और क्या चाहिए, 1,00,000 रुपया? मेरे चाहने की फिक्र न कीजिए मैम साहब। हाँ, इतना जरूर पता चल गया कि आपके पास सिवाय पैसे के कुछ नहीं। अजीब आदमी।
किसी कंचन का आया को इतना कष्ट? नमस्ते। तुम यहाँ? कब से छाया की तरह तुम्हारे पीछे लगा? अरे सुनो तो, खुद ही सोचो, यहाँ के ठेकेदार, मुकादम, हाजरी बात, अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हें खूनी की बहन हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। पहले मेरे भाई को फांसा और अब तुम? मैं तुम्हें फांसना नहीं चाहता हूँ रजनी, समझाना चाहता हूँ। वैसे यहाँ तुम्हें कोई छोड़ेगा तो नहीं, इस पर तुम्हारा भी क्या दोष है? तुम हसीन हो, जवान हो, जिसने डाली नजर बुरी डाली, ये ठर्रा पीने वाले तुम्हें बर्बाद कर देंगे रजनी। पको मत, चले जाओ यहाँ से। मुझे अपना भाई समझो, मगर अजीत जैसा नहीं। मैं नए जमाने के साथ चलता हूँ, तुम्हें कोठी बनवा दूंगा, कार दिलवा दूंगा, हर रात एक नया दिन होगा, दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरी बात तो सुनो। कमीने, चले जा। बाकी बिहारी लाल जी, आपकी गाड़ी आ रही है। मेरी गाड़ी आ रही है? जी हाँ। ओह, आफ्टर ऑल द ट्रेन इज कमिंग। ट्रेन का लेट होना सोशल क्राइम है। अगर एक ट्रेन आधा घंटा लेट है तो 1000 ट्रेन लेट होने का मतलब है 500 घंटे। इससे देश का, जनता का, सरकार का नुकसान होता है। इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? जस्ट चल भाई, जस्ट चल भाई। आप समझदार हैं, ऐसा होते ही रहता है भाई साहब। भाई साहब, आप स्टेशन मास्टर हैं और मैं देशपुर सिल्क मिल्स के मालिक का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ, आपकी मेरी क्या बराबरी? नहीं नहीं, ठहरी ठहरी, डेमोक्रेसी में तो सब बराबर होते हैं। आई एम सॉरी, लेट अस शेक हैंड्स। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था, मेरी ट्रेन आ रही, मुझे रिसीव करना है। ओह, द ट्रेन इज कमिंग। अरे वो आ गई, चलो जल्दी बजाओ वेलकम सॉन्ग। 1 2 यहाँ के ऑफिसर और नाना जी की पर्सनल एडवाइजर। और मैं हूँ बांके लाला जी का पर्सनल सेक्रेटरी। चलो मुंह क्या देखते हो, स्टार्ट। 1 2 पधारिए, पधारिए, वेलकम, 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 वेलकम टू। अनु बेटे, नाना जी, नाना जी, कैसे हो? ठीक हूँ बेटी। हॉस्टल का खाना और बम्बई की आबोहवा तुम्हें रास नहीं आई, अब बहुत दुबली हो गई। मैं जानती थी आप यही कहेंगे, हमेशा यही कहते, इसलिए देखिए वजन के 2 टिकट लाई हूँ। नमस्ते लाला जी। हाँ दिनेश। हेलो अनु जी। हेलो नाना जी, मिल का क्या हाल है? बेटी, मैंने 4 साल से मिल की जिम्मेदारी दिनेश को पूरे तौर से सौंप रखी। अच्छा। इसलिए इनकी 4 उंगलियां घी में रहती है। सर सर कायम है। भगवान दास जी के कहने का मतलब ये है कि मजदूरों की वजह से जो परेशानी होती है, उसका हाल नहीं जानता। ये मजदूर होते ही ऐसे हैं। जी हाँ, उन्हीं के लफड़ों में मैं रह गया, वरना स्टेशन पर आपको लेने के लिए आ रहा था। जी हाँ। अच्छा, छोड़ो बेटी इन बातों को। रणवीर, आज रात का खाना तुम हमारे साथ खाओ। सॉरी लाला जी, आज शाम को तो मेरी ड्यूटी मिल एरिया पे है, दशहरे का फंक्शन जो है, आप नहीं जाएंगे? मैं कभी नहीं जाता, वैसे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। वो लोग आपको बुलाने के लिए आए थे, मैंने उन्हें टाल दिया क्योंकि बस्ती जरा गंदी है। अनु, वैसे भी यहाँ कोई और एंटरटेनमेंट है भी नहीं, क्यों ना हम लोग भी वहाँ चले? आप लोग जरूर चलिएगा, बेचारे मजदूर खुश हो जाएंगे, बड़े धूमधाम रहेगी। ठीक है, तो फिर हम लोग जरूर चलेंगे। है जग में जिसका नाम अमर,
उस रघुवर के गुण गाता हूँ। इंसानों में भगवान था जो उस राम की कथा सुनाता हूँ। इंसानों में भगवान था जो उस राम की कथा सुनाता हूँ। दशरथ के घर में जन्म लिया तोड़ा शिव धनुष स्वयंवर में। जब राज तिलक का दिन आया वनवास मिला अपने घर में। तब पंचवटी में एक रोज सोने का एक हिरण आया। जब राम चले उसके पीछे रावण सीता को हर लाया। जब राम चले उसके पीछे रावण सीता को हर लाया। सीता शक्ति जगत की, राम सत्य का नाम। भीतर बाहर सब जगे बसे हैं सीता राम। बोलो सिया भर रामचंद्र की जय। दर्शन पाने के लिए मंदिर मंदिर के मन भटके। सबको भटकाने वाला वही सीता के बिना बन बन भटके। राजा को बनाया वनवासी देखो तो ईश्वर की माया। जिस छल में तका कोई भी उसे सोने के हिरण ने भरमाया। जिस छल में तका कोई भी उसे सोने के हिरण ने भजमाया। रघुवर का जब दुख बढ़ा चले वीर हनुमान। जा पहुँचे लंकापुरी करते प्रभु का ध्यान। बोल बजरंग बली की जय। एक वाटिका में वानर ने देखा सीता को। जाकर प्रभु का संदेश दिया जग जननी पुण्य पुनीता को। तब मेघनाद ने जा पकड़ा और पूंछ में आग लगा डाली। उस अग्नि से बजरंगी ने सब लंका राख बना डाली। उस अग्नि से बजरंगी ने सब लंका राख बना डाली। राम नाम है पुण्य का, रावण पाप का नाम। दोनों के संग्राम का अब देखो परिणाम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चले सच्चाई के आखिर को बुराई हार गई। और राम की सेना नाव बिना पल भर में सागर पार गई। दशीश से जिसके और जिसके घर मौत रही बनकर दासी। उसे एक तीर से मार गया कोई सीधा सच्चा वनवासी। उसे एक तीर से मार गया कोई सीधा सच्चा वनवासी। भाइयों, भाइयों और बहनों, अब अनुपमा जी इस महापापी रावण को जलाकर राख कर देंगी ताकि यहाँ राम राज्य हो जाए। चलाइए थी भाइयों, भाइयों अब जरा पीछे हट जाइए। बजरंग बली।
देखो तो ये कौन है? ये वो ही आदमी है ना जिसने हमें ट्रेन में बचाया था। बाकेला, अगर बाबा को ज्यादा चोट लगी हो तो उन्हें अस्पताल ले जाना। चलो अनु जी, मैन इज सेव। चलो शाबाश नौजवान, ब्रेवो ब्रेवो। क्या काम करते हो? मैं काम की तलाश में हूँ। अरे वेरी गुड, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम मुझे कल मिलो, मैं तुमको मिल में नौकरी दिलवा दूंगा। देनो आम दे सेक्रेटरी ऑफ लाला जी, इज मै मुट्ठी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके ओके, सी मी टुमारो। एक लाश को चिता पर से निकाल कर लाने वाले तुम कौन? क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम विनोद है। कहाँ के रहने वाले हो बेटा? जी मैं वो। और घर में कौन कौन है? घर में एक छोटी बहन थी, ना जाने कहाँ खो गई है। बहन खो गई? जी हाँ, उसी की तलाश में भटक रहा हूँ। अच्छा मैं चल रहा हूँ। अरे कहाँ जाओगे? कहीं भी जाऊंगा, अपनी बहन को ढूंढने के लिए मैं गांव गांव शहर शहर जाऊंगा, और जब तक वो मिल नहीं जाती मेरे लिए खाना पीना सब हराम है। इतनी बड़ी दुनिया में अपनी बहन को ढूंढने निकले हो, जेब में पैसे हैं, भाग्य और ईश्वर पर भरोसा है, विश्वास है? सच पूछिए तो मेरा हर चीज से विश्वास उठ गया है। और फिर भी बहन को ढूंढने निकले हो? बेटा ईश्वर पर विश्वास रखो, उसने बहन भाई को जुदा किया है और वही एक दिन मिलाएगा, जरूर मिलाएगा। देखो तुम्हें यहाँ नौकरी तो मिली गई, कुछ दिन काम करो, पैसे जमा करो, फिर हम बहन को ढूंढने निकलेंगे। हाँ इसको अपना ही घर समझो, आराम से रहो। हाँ शायद आप ठीक है। तुम्हें भैया से मिलना चाहिए, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आप लोगों को मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। इसमें तकलीफ का है कि बेटिया, सब लोग नासिक चलेंगे, इसी बहाने यात्रा हो जाएगी। लो बेटा कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। क्यों? इसे हमारे घर का खाना अच्छा लगे। ऐसी बात नहीं है बाबा, लाओ। भगवान, क्या हुआ? भैया जेल से भाग गए, आखिरी सहारा था वो भी खो गया। क्या कहती हो? अब कहाँ ढूंढूं भैया को, कहाँ ढूंढूं? अन्नू बहन सो रही है, नाना जी बाथरूम में हैं, मैं फ्राइडे खा रहा हूँ, और ये देवी जी आपको नमस्ते कह रही हैं। शट अप। ये बताओ कि तुमने उस नए आदमी को मुझसे पूछे बगैर नौकरी पर क्यों रखा? बहुत खूब, आप इतने सारे आदमी नौकरी पर रखते हैं, मैंने कभी आपसे पूछा है? मैं इस मिल का मैनेजर हूँ, समझे? मैं नाना जी का सेक्रेटरी हूँ, समझे? मिस्टर बांके। मिस्टर दिनेश। ये क्या हो रहा है? देखिए लाला जी, बांके ने किसी नए आदमी को नौकरी पर रख लिया, और जब मैंने पूछा तो मुझसे बस कर रहा है। बांके तुम जाओ। सॉरी नाना जी, मैं जरा पोल्ट्री फार्म जा रहा हूँ। आई विल सी यू डेफिनेटली। लाला जी आपने इस बांके को बहुत सच चढ़ा रखा है। क्या किया जाए, दूर के रिश्ते का भांजा है, दिल का बहुत अच्छा है, तुम इसकी बात का बुरा मत माना करो। अबे अंधे, देखता नहीं क्या? सारे कपड़े खराब कर दिए। साहब पेशेंट नहीं, माफ कीजिए साहब, गलती हो गई। क्यों मारते हो इसे? ये गरीब इंसान पे जुल्म करते हो, शर्म नहीं आती? तो तुम बीच में मत बोलो। क्या तमाशा है, काम क्यों बंद है? कुछ नहीं मैनेजर साहब, खाम खा इस बेचारे को मार रहा है। अच्छा तो जुमा 8 दिन आया हुआ और हमारे काम में दखल देने लगे? क्या कह रहे हैं आप? देखिए इस डिपार्टमेंट में अगर कोई किसी को मारेगा तो उसको रोकना कोई बुराई नहीं। विनोद हमें तुम्हारी सब हरकतों का पता है, तुम मजदूरों की यूनियन बनाने की कोशिश कर रहे हो। देखिए मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, लेकिन जहाँ ये बेचारे मजदूर अपना खून पसीना बहाकर आपकी मिल चलाते हैं, इनकी देखभाल के लिए आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। ए, तुम लोग क्या देख रहे हो तमाशा? चलो अपना काम करो, चलो चलो चलो। मेरा क्या फर्ज है वो मुझे अच्छी तरह मालूम है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। अगर तुम्हें काम करना पसंद है तो करो,
वरना जा सकते हो, समझे? तुम्हें क्या तकलीफ आप लोगों को? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने आए। अच्छा, अगर तुमने दिनेश जी और फैक्ट्री के मामलात में दखल देने की कोशिश की तो क्या करेंगे आप? तो थोड़ा सा तमीज सिखा जाएंगे आप। और हमारा बदतमीजों को तमीज सिखाने का तरीका है? आप लोग तो बहुत गर्म नजर आ रहे हैं, मेरा प्यार से बात हो सकती है? आपको भी तरीका सीखना है? मत्थे देखूंगा तुझे। ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटा, यहाँ रहकर इन लोगों से दुश्मनी। मुझे दोस्ती या दुश्मनी की चिंता तब होगी चाचा जब मैं यहाँ रहूंगा। मैं आज ही अभी यहाँ से चला जाऊंगा। क्यों, इन लोगों से डर गए? गुंडे और बदमाशों से डरते हैं बुजदिल। मैं शर्मिंदा हूँ कि ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जिनका स्वाभिमान मर चुका है, जिन्हें अपनी तरक्की की चिंता नहीं, जिनके बीवी बच्चे कीड़े मकौड़ों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं यहाँ रहकर इन जैसा नहीं बनना चाहता। शाबाश शाबाश विनोद, यही शब्द सुनने के लिए मैं तरस रहा था। इन मुर्दा दिलों के बीच आज कम से कम एक इंसान तो ऐसा आया जिसकी आत्मा जाग रही है। तुम चाहो तो इन मजदूरों में नया जीवन फूंक सकते हो बेटा। जगाया उन्हें जा सकता है जो सोया हुआ हो, लेकिन जो जागते हुए सोए के समान हो उन्हें कौन चेतना दे सकता है? तुम चाहो तो इनके अंदर की चिंगारी को फूंक मारकर ज्वाला में बदल सकते हो। तुम इनको स्वाभिमान दे सकते हो बेटा। बेटा रुक जाओ। नमस्ते लाला जी। नमस्ते। और दिनेश बैठो। हेलो। कैसे आना हुआ? लाला जी वो बैलेंस शीट लाया था दस्तखत कराने के लिए। भगवान दास जी बैलेंस शीट ले जाइए। जी लीजिए। नहीं नहीं, आप डिजाइन अच्छी बना लेती हैं। ये क्या नानी जी, आप बगैर देखे दस्तखत करते जा रहे हैं? बेटी ये ना भूलो, दिनेश मेरे बचपन के दोस्त अमरनाथ का लड़का है, इस पर मेरा पूरा भरोसा है। लेकिन ऐसे ही दस्तखत करने से क्या फायदा? देखिए तो मिल में तो घाटा ही घाटा है, ये नुकसान कब से हो रहा है? यही तकरीबन 4 साल से। 4 साल से? और आप इसे पूरा कैसे कर रहे हैं? लाला जी की जो टी स्टेट है उसका प्रॉफिट इसमें एडजस्ट कर लेता। ये तो बहुत बुरी बात है नाना जी, आप मिल बंद क्यों नहीं कर देते? नहीं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इतने सारे वर्कर हमारे मिल में काम करते हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे। तो क्या हम लोगों ने कोई यतीम खाना खोल रखा है? अनु ठीक कहती। दिनेश तुमने ये सब कुछ मुझे पहले बताया क्यों नहीं? लाला जी मैं तो समझता था कि अकाउंटेंट आपको सारी रिपोर्ट देता होगा, पिछली सारी बैलेंस शीट्स आपने साइन की हुई हैं, आप चाहे तो मंगा के देख सकते हैं। ठीक है, हमें मिल बंद करनी चाहिए। लेकिन लाला जी अगर आप मिल बंद कर देंगे तो मजदूरों के प्रोविडेंट फंड, बोनस, नोटिस पीरियड के पैसे सब इकट्ठे हम लोग कहां से देंगे? हाँ, और फिर डीलर से लिए हुए एडवांस, हुंडी के पैसे और बुकी के पैसे, ये सब कुछ मैं नहीं जानता। आज से मिल बंद, उसके लिए खरीदार ढूंढो। बिल्कुल ठीक नाना जी, मिल बंद, आज से मिल बंद किया जा रहा है। कामगारों और कर्मचारियों को नोटिस पीरियड के लिए 1 महीने की तनख्वाह दी जाएगी। ये हरगिज नहीं होगा, मिल हरगिज बंद नहीं होगी। तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मिल 4-5 साल से घाटे में चल रही है। घाटे के जिम्मेदार हम नहीं है, तुम हो। हम लोग जान देकर काम करते हैं। चुप रहो, तुम लोगों को 1-1 महीने की तनख्वाह बगैर काम पे दी जा रही है। 1 महीने की तनख्वाह से आप हमारी जिंदगी खरीदना चाहते हैं? इस मिल को हमने खून पसीने से सींचा है। हमारे घर में भूख से एक भी मौत हो, इसके पहले लाला जी के बंदे को आग लगा दूंगा। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं, हमें चलकर लाला जी से मिलना चाहिए। आप सब लोग आइए मेरे साथ। तुम लोगों ने समझा है कि मैंने धर्मशाला खोल रखी है, लेकिन कान खोल कर सुन लो, दुनिया की कोई ताकत मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं मिल चालू रखकर घाटा उठाता रहूं।
मेल बंद नहीं होगी लाला जी, आप ये मेल बंद नहीं कर सकते। तुम कौन हो जो मुझे सलाह देने की जरूरत कर रहे हो? लाला जी, वही आदमी है जिसने मुझे ट्रेन में गुंडे से बचाया था। मालिक और मजदूर का रिश्ता वैसा ही पवित्र है जैसा एक परिवार का, और आप इस परिवार के मुखिया हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो उसमें हम भी शामिल हैं, और अगर हम मजदूरों पर कोई मुसीबत है तो उसे दूर करना आपका फर्ज है। इससे ज्यादा परेशानी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है कि लगातार 4-5 साल से हमारा नुकसान हो रहा है। नुकसान की वजह हम मजदूर नहीं है, नुकसान की वजह है मिल में बद इंतजामी, पुरानी मशीनें, प्रोडक्शन में कमी, वक्त और जमाने के साथ साथ ना चल। उसके लिए रुपया चाहिए, वो कौन देगा, तुम या तुम्हारे साथी? क्यों मजाक उड़ा रही हैं मैम साहब? आप अच्छी तरह जानती हैं हम इस काबिल नहीं हैं। आपके सहारे पलने वाले मजदूरों और उनके घर वालों की इज्जत और रोजी बच सकती है, आपका नुकसान आगे चलकर फायदे में बदल सकता है। अगर आपको मिल चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं तो एक मौका हमें दीजिए। वाह वाह वाह, That's a very good idea. My favorite. Lala ji, shut up. Nonsense. लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे लाखों रुपए की मशीन जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे उसे सही सलामत रखेंगे? बोलो, can you give in writing? Say now. कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो मशीनें हमें रोटी देती हैं, हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे? आप शायद नहीं समझ सकते, मिल हमारे मंदिर हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। नाना जी, तुम लोगों को एक महीने की मोहलत दे सकते। लाला जी जिंदाबाद, कैशपुर में जिंदाबाद, लाला जी जिंदाबाद। लेकिन इस तरह नहीं, मैं तुम्हें एक शर्त पर मिल दे सकता हूँ कि तुम लोग मुआवजे के तौर पर 1,00,000 रुपए पेशी दोगे और हर महीने लीज मनी 25,000 रुपए दोगे। खा तो चुका, दो रोटी में हम सबने खा लिया, पेट में मरा, भूख ले मारू नहीं तो क्या, आज एक महीने से घर में पड़े हो। अरे मिल बंद हो गई तो क्या हुआ, कुछ और काम ढूंढते, हाथ पर चलाते। मैं तो तंग आ गई, मुझसे अब ये बच्चों की तकलीफ नहीं देखी जाती, इससे तो अच्छा हम सबको मौत आ जाती। दीदी, मिल तो बंद हो ही गई, अब उसे चलाने के लिए 1,00,000 रुपए का बंदोबस्त करो। अरे बंदोबस्त हम सब लोग मिलकर करेंगे, जिसके पास जो कुछ भी है, नकद जेवर सब कुछ बेचकर लाला जी को सौंप देंगे और मिल बंद नहीं होने देंगे। वाह चाचा वाह, नकद और जेवर? हाँ। जिनके पास खाने को 2 रोटी नहीं है उनसे तुम नकद और जेवर तलब कर रहे हो बिहारी? लेकिन हमें हिम्मत हौसला नहीं हारना चाहिए। मैं कह देता हूँ, कल सुबह तक या तो मिल चालू करवाओ या मुझे कोई काम दो, नहीं तो मैं अपने घर में आग लगा दूंगा और मिल को फूंक दूंगा, मशीनें तोड़ दूंगा। बदतमीज, चलना भी नहीं आता तुम्हें, शराब पी रखी है क्या? हाँ, शराब पी रखी है, तुम्हारी तरह किसी का खून तो नहीं पिया। क्या भक्ते हो तुम? भक्ता हूँ, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। मैं तुम्हारी मिल में नौकरी करके अपने घर वालों का पेट पालता था, लेकिन तुमने मिल बंद कर दिया, हमारे बच्चों की रोटी छीन ली। शट अप, मिल के बारे में जो कुछ कहना है जाके नाना जी से कहो, मुझे फोन मत करो, समझे? चलो ड्राइवर। शट अप, मेरे लिए नाना और उसके नाते इनमें कोई फर्क नहीं है। तुमने क्यों मेरे बच्चे की कसम दी? तुम मेरे बच्चे को भूखे मरते हुए देख सकते हो? चलो, अनु जी, बिहारी की इस हरकत के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आज आपने फिर मेरी मदद की, इसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन उस बदतमीज को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। देखिए, जब गरीब की रोटी छीनती है वो पागल हो जाता है, मिल बंद हो जाने से आज सब की हालत ऐसी। मिल तो आप लोग खुद चलाने वाले हैं ना? हाँ, लेकिन अनु जी आपको याद होगा आपने ट्रेन में 1,00,000 रुपए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आज मिल चलाने के लिए आपको 1,00,000 रुपए की जरूरत है। बिनो, तुम जैसे स्वाभिमानी आदमी को एक अमीर लड़के के सामने अपनी मजबूरी बताते हुए शर्म नहीं आती? चाचा मैं, नाना जी इन मजदूरों के बारे में ठीक ही कहते हैं, इन्हें पेट भर खाना मिल जाए तो सर पर सवार हो जाते हैं, आंखें दिखाने लगते हैं, और भूखे हो तो जान के दुश्मन बन जाते हैं। आप गलत कह रही हैं, जिस देवी की आंखों में
मजदूरों के लिए आंसू लबलबाते थे, जिसके दिल में मजदूरों के लिए प्यार भरा रहता था, उसकी बेटी अपने नाना की जहरीली बातें उगल रही। आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? तुम्हारी माँ को सब जानते हैं। तुम्हारी माँ की आज भी सब लोग इज्जत करते हैं, क्योंकि वो गरीब परवर थी, दया की देवी थी, शांति, जैसा नाम वैसा स्वभाव। इसीलिए उसने विशाल नाम के एक मजदूर से शादी की थी जी। लेकिन ये सब आपको कैसे मालूम? मुझे सब कुछ मालूम है बेटा। क्या क्या गुजरी विशाल और शांति पर। क्या गुजरी? कॉलेज की पढ़ाई के बाद तुम्हारी माँ ने मिल के काम में दिलचस्पी लेना शुरू की। वहां उसकी मुलाकात विशाल से हुई। खामोश! तूने मेरी इज्जत को मट्टी में मिला दिया। छोटी इज्जत के लिए सच्ची इंसानियत की अर्थी मत निकालिए पिताजी। अर्थी तो निकलेगी इसकी, जिसने तुझे बहकाया। कमी ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। लाला जी, मुझ पर ऐसा आरोप न लगे। मैंने हमेशा आपकी मिल में ईमानदारी से काम किया। से अगर कोई गलती हुई है तो ये कि मैंने आपकी बेटी को दिल से प्यार किया और भगवान को साक्षी करके उससे शादी की। मैं ये शादी नहीं मानता। इसकी शादी मेरी मर्जी से होगी, किसी आला खानदान के राइस लड़के से। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है पिताजी। मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या कहा? बेशर्म लाला जी। नथो रामो। आए मालिक। जी हुजूर। जी मालिक। ले लो इसे और इसकी हड्डी पसली तोड़ कर कहीं फेंक दो। लाला जी, लाला। जालिमों ने इतना मारा कि विशाल बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो किसी दूसरे शहर में था। भटकते भटकते वापस यहाँ आया तो जालिमों ने फिर उसे शांति से मिलने नहीं दी। शांति को यकीन दिला दिया गया था कि विशाल उसे धोखा देकर भाग गया। बेचारी शांति एक बच्ची को जन्म देकर स्वर्ग चली गई। उसकी मौत की खबर ने विशाल को पागल कर दिया और वो कई अरसे तक पागल खाने में रहा। आप ही तो कैसे जानते हैं? कैसे नहीं जानता जब तक ये सब कुछ मुझ पर न बीती हो। आप विशाल हैं? अनुपमा जी आपकी बेटी है। पिताजी, पिताजी, अनु कहाँ खोई हुई हो? क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, ऐसे ही सोच रही थी कि आज मेरे लिए शायद सबसे बड़े सुख का दिन है और सबसे बड़े दुख का भी। क्या कह रही हो? न जाने क्यों आज माँ की बहुत याद आ रही है और पिताजी की भी। बेटी, जो गुजर गए हैं उन्हें याद करके तकलीफ ही होती है। जी नाना जी, और शायद इसी तकलीफ से बचाने के लिए आपने मुझे बचपन से बोर्डिंग में रखा, और जब कभी आपके पास आई आपने मुझे मेरी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कई बार बताया है बेटी कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर थी, भोली थी। और पिताजी, मुझे विश्वास नहीं होता कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। मन भावुक होता है बेटी और सच्चाई कठोर। क्या इसीलिए हमें सच्चाई से भागना पड़ रहा है? क्या मतलब? मैं बीती हुई बातों की बात नहीं कर रही, आज की बात कर रही हूँ। आज मैं बहुत तेजी से मोटर चला रही थी कि अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक भूखा प्यासा मजदूर आते आते ही बच गया। जब से हम लोगों ने मिल बंद की है ये मजदूर भूखे मर रहे हैं। नाना जी, नाना जी, मुझे तो डर लगता है कि इन मजदूरों की, इनके बीवी बच्चों की आहें कहीं
इस घर में ना भर जाएं और हम भी उनके साथ घुट घुट कर मर जाएं। नाना जी, जितने लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं ये सब मतलबी इंसान है। हमारा सच्चा साथी एक नहीं है इनमें, हम अकेले हैं नाना जी, बिल्कुल अकेले। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन आपको मेरे आंसुओं की क्या परवाह? ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें दुखी होते हुए नहीं देख सकता। अगर ये सच है तो बताइए नाना जी, बताइए आप मेरी खुशी के लिए क्या कर सकते हैं? जो तुमको, बोलो क्या चाहती हो। मैंने ही आपसे कहा था कि मिल बंद कर दीजिए, और आज मैं ही आपसे कह रही हूँ कि मिल खोल दीजिए, मजदूरों को सिर्फ एक मौका दे दीजिए मिल चलाने का। नाना जी, अनु जी, मेरा ख्याल है पेट्रोल पे होंगे। अनु जी, कौन है वो कमीना जिसने गाड़ी रोककर आप पर हाथ उठाने की जुर्रत की? क्या चला? अनु, शिनाख्त करो उसकी, मैं अभी उसका दिमाग ठिकाने पे लाता हूँ। यस यस, इट इज वेरी सीरियस। मैं नाना जी को सब कुछ बता चुकी हूँ, दरअसल गलती तो मेरी थी, उस बेचारे ने गाड़ी रोक के मुझे परेशान करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। ठीक कहती हैं आप, अरे किसमें हिम्मत है जो आपको मेरे होते हुए परेशान करे? इसका मतलब है हमें गलत खबर मिली थी। हाँ। अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए। दिनेश, मैं तुम्हें बुलवाने वाला था। फरमाइए। हमारे फैसला किया है कि मिल फिर से शुरू कर दी जाए। गुड न्यूज लाला जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। और मैंने ये भी फैसला किया है कि इस बार मिल की जिम्मेदारी मजदूरों को दे दी जाए। नाना जी, यू आर ग्रेट। अब मैं आपका सेक्रेटरी नहीं, मिल का पीआरओ बनूंगा, खूब मेहनत करूंगा, सुबह उठते ही दो भैंसों का दूध पीऊंगा। लाला जी, अगर आपने यही फैसला किया है तो मैं मजदूरों के हाथ के नीचे काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। चमका पसीना बनके नगीना, चमका पसीना बनके नगीना, काली रात बीती रे काली रात बीती, काली रात बीती रे काली रात बीती, मेहनत जीती रे मेहनत जीती, चमका पसीना बनके नगीना, काली रात बीती रे काली रात बीती, काली रात बीती रे काली रात बीती, मेहनत जीती रे मेहनत जीती। नसीबा लिख लो चाहे जैसा, काम का दूजा नाम नसीबा, काम से कर लो प्रीति, चमका पसीना ये चमका पसीना बनके नगीना, काली रात बीती रे काली रात बीती, मेहनत जीती रे मेहनत जीती। महकी है गलियां होठों पे गलियां, महकी है गलियां होठों पे गलियां, आंखों में लाखों बातें, घड़ियां सुहानी भीगे जवानी, प्यार की ये बरसातें, साथ दिया है सबने हमारा, माजी तभी तो जीती।
चमका पसीना, चमका पसीना बनके नगीना, काली रात बीती रे काली रात बीती, मेहनत जीती रे मेहनत जीती। लाखों की मेहनत का फल, अब लाखों की मेहनत का फल एक न खा पाएगा, पढ़ने का मौका पीने का अवसर सबको दिया जाएगा। हट जाए दुनिया से गरीबी अपनी है ये नीति, चमका पसीना, चमका पसीना बनके नगीना, काली रात बीती रे काली रात जीती, मेहनत जीती रे मेहनत जीती, मेहनत जीती रे मेहनत जीती, मेहनत जीती रे मेहनत जीती। बागे बिहारी लाल देशपुर सिल्क मिल्स का जंबो पब्लिसिटी ऑफिसर, अब दुनिया को मालूम पड़ेगा व्हेन दे विल सी माय क्रेजी पब्लिसिटी एंगल्स, लड़कियां मेरे ऊपर मरेंगी, आई विल बी द आइडल ऑफ टीनेजर्स, दो आई एम लाइंग आइडल हियर। आहा, क्या रूप है फुल मून का, क्या खुशबू है जैसे चावल है देहरादून का, क्या हिरनी जैसी आंखें, क्या सेब जैसे गाल है, क्या गुलाब जैसे होठ है, माई फेवरेट पिनअप, माई ड्रीम गर्ल, काश कि तुम इस तस्वीर में से निकलकर बाहर आ जाती और मैं तुम्हें गले लगा लेता। इस पे मरूं तो ये नाराज, इस पे मरूं तो ये नाराज, मैं किस पे मरूं माय डार्लिंग। हाँ दिनेश भाई, हमारा पैसा भी 60-70 हजार में पहुंच गया है। क्या बात करते हो रेशिया सेठ, पिछले 4 सालों में दिनेश बाबू जितना रुपया घोड़ों पे हारे हैं उसका तो ब्याज ही इतना हो जाता है, फिर लेना देना किस बात का। फैसला मैं करता हूँ, या तो ब्याज छोड़ दीजिए जी। सुखी बाबा सामलो सामलो सामलो, या रकम उधार समझकर डबल ब्याज ले लो। मंजूर मंजूर, लेकिन एक शर्त पर, पेबल व्हेन एबल। 100% साची बात। अरे भाई जब ब्याज मिलता रहे तो मुद्दल धनी सुपरवाचे सिट्ठी गाल है। अब आप लोगों ने समझदारी की बात की, चलिए इसी बात पर गिलास उठाइए और ये समझिए कि यहाँ पर तकाजे के लिए नहीं बल्कि मौज और तफरी के लिए आई है। असली तफरी तो तब होगी दिनेश बाबू जब आपकी शादी अनुपमा देवी पे होगी। विनोद जी, मिस्टर विनोद, विनोद साहब। आप कौन हैं? क्या आपका नाम विनोद नहीं है? आपसे किसने कहा? आप तो ऐसे चौंके जैसे आप कोई और ही हैं। 3 बार पुकारा मैंने। I'm sorry, मैं दरअसल ये प्रोग्रेस चार्ट और अकाउंट्स की किताबों में खो गया था। आप बैठिए ना, पहली बार इस ऑफिस में आई हैं, कहिए आपकी क्या सेवा की जाए। मैं तो आपको मुबारकबाद देने आई थी, ये सब आपकी मेहनत आपकी लगन का नतीजा है जो हमारी मिल ने 2 महीने में इतनी तरक्की कर ली, मजदूरों की जिंदगी ही बदल गई। इस तारीफ और इतनी दिलचस्पी का बहुत बहुत शुक्रिया, दरअसल ये सब कुछ आप ही की बदौलत है। ठहरिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत, मेड इन जापान आई थिंक। जी नहीं, ये देशपुर मिल का बना हुआ है।
क्या ये हमारे मिल का बनाया हुआ कपड़ा जी है? हाँ। मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी। देखिए ना कितना अच्छा टेक्सचर है और डिजाइन देखिए कितनी जल्दी पॉपुलर हो गई। बहुत ही अच्छी लग रही है। वंडरफुल वंडरफुल। जवाब नहीं, माफ करना, मैंने आप दोनों को इस ड्रामेटिक पोज में डिस्टर्ब किया, मगर मिस्टर विनोद आपने मुझे फैंटास्टिक आइडिया दिया है। अलापूस, मैं अभी आता हूं। एक्सक्यूज मी मैडम, इसे यू लपेटिए। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये इनका आइडिया है। आज का कस्टमर बहुत होशियार है, उसे समझाने के लिए बुझाने के लिए जरूरत है पब्लिसिटी की, प्रोपेगेंडा की। रेडियो पर बार बार सुनवाइए देशपुर सिल्क मिल्स की नई डिजाइन वाली चिकनी सिल्क, आपके मुलायम और चिकने बदन को चमका देगी। जरूर खरीदिए, जरूर खरीदिए। ओरिजिनल आइडिया नंबर दो, फैशन परे बंबई में धूमधाम से 36 ब्यूटियों को पेश किया जाए और फिर अखबारों में मैडम आपकी फोटो छपेगी। आइडिया अच्छा है, लेकिन मैडम आपको मेरा साथ देना होगा। शो आप से शुरू होगा, आप पर ही खत्म होगा। मिल की तरक्की के लिए मुझे आपकी शर्त मंजूर है। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए मेरा हंगामा, देशपुर सिल्क मिल्स का ग्रैंड फैशन शो।
तो वही है, माय ड्रीम गर्ल। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ या तुम मेरा पीछा कर रही हो? अगर तुम तो ये साइज की थी और अब एनलार्जमेंट, वो भी इतना बड़ा, 70 mm लोफर। अरे ये तो फोटो नहीं है, असली है। गुड लक, गुड लक। हेलो डार्लिंग। शट अप, तुमको शर्म नहीं आता? शर्म आती है, इसलिए तो कपड़े पहने हुए। ओ लीव मी अलोन। ओ सुनिए, कल जो यहाँ फैशन शो हुआ था ना, उसका इंचार्ज मैं ही हूँ। जब से मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है, मैं तुम्हारा आशिक हो गया हूँ। मैं तुम्हें देशपुर सिल्क मिल्स का परमानेंट मॉडल बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा एग्रीमेंट तैयार है, अभी निकाल कर दिखाता हूँ। देखने में तो शरीफ लगते हो, लेकिन हरकत इतनी जलील। क्यों, मैं तो कागज निकाल रहा था। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? देशपुर सिल्क मिल्स का PR श्री बाके बिहारी लाल। मैं इस लड़की की लाइफ बना सकता हूँ, इसका कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। अच्छा, ओह, हाउ डू यू डू? मैं बेबी का सेक्रेटरी कम गार्डियन हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, 400 रुपया महीना पगार मिलेगा। आज से तुम्हारा खाना पीना सोना मेरे साथ सब फ्री। मेरा मतलब है मेरे मकान में रहना फ्री। ओह आई सी। यस मैडम, तुमने ऐसे बड़े आदमी को जलील बोला। आई एम वेरी सॉरी सर, लेकिन बेबी का एग्रीमेंट तभी होगा जब एडवांस पैसा मिलेगा। ओके ओके, तुम ऐसा करो, तुम जब तक इस एग्रीमेंट को पढ़ो और इसको साइन करो। लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। पेन तुमको बाहर गोरखा देगा। बेबी एडवांस जरूर लेना है। अरे हम बेबी को एडवांस भी देगा और सुने एडवांस भी देगा। आओ बेबी, अरे आओ ना। हेलो। हेलो। आप? अभी तक सोए नहीं क्या? जी नहीं, मैं सोच रहा था। अच्छा, क्या? कि आपकी वजह से शो कितना कामयाब रहा। अब देखिए, अपनी मिल का उत्पादन यकीनन बढ़ जाएगा। हम नई मशीनें लाएंगे, आमदनी बढ़ेगी और मजदूर खुशहाल हो जाएंगे। आप हमेशा मिल और मजदूरों के बारे में सोचते रहते हैं क्या? क्या जिंदगी में और कुछ भी नहीं है? बहुत कुछ है अनु जी, लेकिन सबके लिए सब कुछ नहीं होता। सबकी नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी और आपकी बात कर रही थी। आपकी बात अलग है, लेकिन मैं किस काबिल हूँ? जी हाँ, लेकिन कुछ अपनी और मेरी भी तो कही और सुनिए। जी इतने ना समझे आप। श्रीमान जी, जरा दिमाग पर जोर दीजिए ताकि वो दिल की बात समझे। देखिए, मेरे पास ना तो दिल है और ना दिमाग। मेरे पास दोनों है, कहिए तो हिस्सा बांट कर ले। सुनिए, दिल आपका हुआ। जी चोट तो नहीं आई मुन्नी? नहीं भैया। चल बच्चो। क्या हुआ? कुछ नहीं। रज्जू कौन है? रज्जू मुझे भागे की एक अभागन बहन है। अच्छा, कहाँ है वो? उसी की तलाश में तो भटक रहा हूँ, मुझसे बिछड़ गई है वो।
हम दोनों का एक दूसरे की सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं। वो मुझे खोज रही है और मैं उसे तलाश कर रहा हूं, लेकिन कहां? मैं तो बिल्कुल खुश हूं। तुम्हारी मिल में काम करता हूं, तुम्हारी मोटर गाड़ी में घूमता हूं, और वो बेचारी ना जाने कहां मेरी तलाश में भटक रही हो। दिल छोटा मत करो, अपनी बहन को तलाश करो। तुमने पुलिस में रिपोर्ट की? नहीं, मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर सकता, और तुम भी इंस्पेक्टर से कुछ मत कहना। लेकिन क्यों? ये दुनिया बड़ी जालिम है, गरीबों और दुखी लोगों को सताने में से मजा आता है। जवान लड़की है, बदनामी होगी, लोग बातें बनाएंगे और शादी ब्याह में रुकावट हो सकती है। ये तो ठीक है, लेकिन किसी तरह तो ढूंढना ही होगा ना। इसके लिए मैंने आते ही उसके नाम अखबार में इश्तहार तो दे दिया था। ये तुमने बहुत अच्छा किया, देखना तुम्हारी बहन जरूर मिल जाएगी। चले अनु, तुम फैशन शो में गई थी, शीला की पार्टी में नहीं। पर नाना जी, पार्टी पहले थी और फिर शो बाद में, और ये शो तो हमारे मिल की तरक्की के लिए था। जब मिल अपनी थी तब उसकी भलाई कभी नहीं सोची। मिल तो आज भी अपनी ही है, उसकी तरक्की होगी तो सारा कर्ज अदा हो जाएगा। और फिर मैंने तो कई चैरिटी शोज में हिस्सा लिया है, कभी अस्पतालों के लिए, कभी स्कूलों के लिए। हमारा शो तो बहुत कामयाब रहा नाना जी। बेशर्मी की, हमारे कामयाबी कह रही हो? आपसे गलत कहा गया है, दिनेश ने खुद अपनी आंखों से देखा है। ओह, तो आप भी वहां मौजूद थे? जी हाँ, मैंने आपसे मिलने की कोशिश की, लेकिन आप बहुत बिजी थीं। आपके होटल में मैंने 2-3 बार फोन भी किया था। होटल? तुम तो शीला के यहाँ रहने गई थी ना? जी नाना जी, लेकिन उसके यहाँ बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, इसलिए हम लोगों को होटल में रहना पड़ा। विनोद भी वही था? जी, बांके भी वही था। तो तुम बांके के साथ आई हो? नहीं नाना जी, मैं उसके साथ आने वाली थी, लेकिन न जाने वो कहाँ गायब हो गया, तो मुझे विनोद के साथ आना पड़ा। विनोद, 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 कई दफा कहा कि मजदूरों से मत मिला करो, लेकिन अचानक तुम्हारे दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा हो गई है। विनोद के नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जा रहा है, वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर दिनेश, आप इतना गिर सकते हैं मुझे उम्मीद न थी। मिल आपसे छिन गई तो आपने नाना जी को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, और मुझे बदनाम करना भी। आपको शर्म आनी चाहिए। अनु जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। अगर सच बोलने का यही पुरस्कार है तो ठीक है, मैं जाता हूँ। नमस्ते। अनु, मैंने तुम्हें बड़े नाज से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, लेकिन तुम मेरी दी हुई आजादी का नाजायज फायदा उठा रही। मैं तुम्हें गुमराह होते हुए नहीं देख सकता। नाना जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दिनेश के बहकाने से आप मुझ में विश्वास ही खो बैठेंगे। मैं बहस नहीं करना चाहता, मेरा हुक्म है कि तुम मजदूरों से कोई वास्ता नहीं रखोगी, ना विनोद से मिलोगी। तुम्हारी तो आंखें फोड़ देनी चाहिए। विनोद बाबू, मुझे क्या जरूरत थी कि ऐसा काम करता? चोरी और सीना जोरी। विनोद बाबू, मैं कसम खा के कहता हूँ, ये काम इसी ने किया है। विनोद बाबू, हमारी खुशहाली से इनके सीने पर सांप लौटते हैं, ये आपसे जलते हैं। मिल के पुराने और वफादार आदमी को नौकरी से निकालने का हक तुम्हें किसने दिया? मुझे लाला जी ने बुलाया है, मैं इन्हीं को बताऊंगा। क्या बताना है मुझे? मैं बताता हूँ, मिल तुम लोगों को चलाने के लिए दी गई, तुम उसके मालिक नहीं, समझे? मिल की हिफाजत करना हमारा फर्ज है लाला जी। मिल की एक कील को भी कोई नुकसान पहुंचाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मस्तान ने ये रॉड डालकर एक मशीन तोड़ने की कोशिश की। ये झूठ है। ये सच है।
मिल के सारे मजदूर गवाह हैं। मिल के सारे मजदूर तुम्हारे इशारों पर चलते हैं। मजदूर मेरे इशारों पर चलते हैं, इसलिए मस्तान वहां से बचकर आ सका। नहीं तो क्या तुम उसे मरवा डालते? मैं नहीं, मजदूर उसे जिंदा नहीं छोड़ते। सुन लिया लाला जी, मैंने मस्तान को इन लोगों की निगरानी पर रखा है, इसलिए लोग उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। कैसी साजिश? ताकि मिल मजदूरों के हाथ से निकल जाए। जब कहो तुमको मस्तान को फिर से नौकर रखना होगा। ये नहीं हो सकता लाला जी। तुम मेरे खिलाफ बोल रहे हो? मैं आपकी मिल की हिफाजत कर रहा हूँ। मिल मेरी है, उसकी हिफाजत कैसे की जा सकती है? मैं तुमसे ज्यादा जानता। परेशान होने की जरूरत नहीं है लाला जी, मिल पहले भी आपकी थी, आज भी आपकी है। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको पता चल जाएगा गलती किसकी है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम जा सकते हो। मैं एक बार अनुपमा जी से मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। क्यों नहीं मिलना चाहती? क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। ध्यान रखो, फिर उससे मिलने की कोशिश ना करना। ये मेरा फैसला है और यही अनु की मर्जी है। अरे रज्जो की बच्ची, कम से कम मेरे बटन तो लगा दिया कर। अरे ये जो लोहे पत्थर का बदन बना रखा है ना, तो रोज रोज बटन टूटते हैं, अब तो कमीजें भी फटने लगेंगी। तुम भगवान, कितनी मेहनत मुशक्कत से ये बदन बनाया है, ये पगली एक दिन जरूर नजर लगा देगी। छी छी, कैसी बातें करते हो, कहीं बहन की नजर भी भाई को लगती है। लो, तुम्हारी बहन रज्जू बिटिया। कहाँ है रज्जू? अपना एक मजदूर है ना लाखन, उसका भाई शांति सागर डैम पर काम करता है, उसने देखा रज्जू को। सुनो तो सही, कह रहा था कि वहाँ शांति सागर डैम पर एक खूबसूरती वाली लड़की काम करती थी, कह रही थी कि मैं मेरे भाई से बिछड़ गई हूँ, इसलिए मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ता है। वो रज्जू होगी, वो जरूर रज्जू है। चलो मेरे साथ। गंगा सिंह जी? हाँ हाँ, ये लड़की यहाँ पे काम करती थी लेकिन बहुत दिनों से काम पर नहीं आई। एक कामगार बता रहा था कि उसने इस लड़की को यहाँ से 2 मील दूर शाम गांव में एक मछेरे के यहाँ देखा था। ज्यादा दूर नहीं है बेटा, मैं ले चलता हूँ। महीर से बहती नदी से निकाल लाया था। तुम कौन हो? मैं उसका। बड़ी देर कर दी बाबू, वो बेचारी तुम्हें याद कर नहीं रही, पगली कल बिना बताए ही चली गई। किस्मत इतनी बेरहम नहीं होती बेटा, जब उसकी खैर खबर मिली है तो वो भी मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो? तुम यहाँ किस सोच में डूबे हुए थे जो मेरे आने का पता भी नहीं चला? तुम तो मुझसे मिलना, मुझे देखना भी नहीं चाहती। वो सब नाना जी ने तुमसे झूठ बोला है। तो फिर इतने दिनों तक मिलने क्यों नहीं आई? मेरा घर से निकलना बंद किया गया है और नाना जी ने धमकी दी है कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तुमसे मिलूंगी तो वो खुदकुशी कर लेंगे। फिर तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो फिर ना जाने तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचते। ठीक है, नाना जी के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है बिनोद, वो पैसे को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक है, समझने दो ने। बैठो। विनोद, ऐसा लगता है कि दिनेश नाना जी से मिलकर हमारे लिए कुछ खतरा पैदा कर सकता है। कैसा खतरा? मैं नहीं चाहती कि जिस सपने को मैं सच होते देखना चाहती हूँ वो टूट जाए और हम अपनी मंजिल के रास्ते पर बिछड़ जाए। अनु, सपने ही तो सब कुछ नहीं होते, और फिर तुम ये भी नहीं जानती मैं कौन हूँ क्या हूँ। विनोद, किसी को जानने के लिए उसका इतिहास नहीं, अपने आप को जानना जरूरी है। तुम ठीक कह रही हो,
लेकिन मैं तुम्हारे नाना जी के बारे में सोच रहा था। अगर तुमने उन्हें छोड़ दिया वो संसार में अकेले रह जाएंगे। अनु, मैं चाहता हूँ तुम उनके पास रहो, उनके असूल बदलने की कोशिश करो। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अनु, मैं तो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। भगवान, आज रक्षाबंधन है, मगर मैं एक ऐसी अभागिन बहन हूँ, न भाई की कलाई है, न राखी और न ही राखी खरीदने के साधन, इसलिए मेरा जो हो सो हो, मगर मेरे भाई की रक्षा करना, वो जहां भी रहे सुखी रहे। विनोद, विनोद बेटा, ये क्या? कुछ नहीं चाचा, आज राखी का त्योहार है ना, रज्जो और भी याद आ रही है। अगर वो होती तो आज मेरे हाथ में भी राखी बांधती। तुम्हारी बहन रज्जो एक दिन साथ में जरूर राखी बांधेगी। तुम नहीं जानते, तुम्हारे कारण आज सारे मजदूर खुशहाल हैं। उनकी दुआएं कभी बेकार नहीं जा सकती। तुम्हारी बहन एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगी। इस बस्ती की सब लड़कियां तुम्हारी बहन के बराबर ही तो है। तुम्हें राखी बांधने के लिए आ रही है।
जहां भी हो इस विज्ञापन को पढ़ते ही फौरन देश में चली आओ। तुम्हारा भैया। प्रिय बहन रज्जो, मैं तुम्हारे तलाश में भटक रहा हूं। तुम जहां भी हो इस विज्ञापन को पढ़ते देशपुर चली आओ। तुम्हारा भैया। यह अजीब इश्तेहार है। मैं कहता हूं यह अजीब नहीं बल्कि भेद भरा इश्तेहार है। वो तो इत्तेफाक है कि मेरी नजर पड़ गई। तुम मेरी मदद कर सकते हो क्योंकि तुम देशपुर थाना के इंचार्ज हो और उस दिन जेल में भी तुम अजीत को देख चुके हो। अजीत? हाँ देखा तो था लेकिन उस वक्त उसे दाढ़ी मूंछें थी और इस बात को कई महीने हो चुके और फिर उसकी शक्ल ठीक तरह से याद भी नहीं। हम पुलिस वाले तनख्वाही इसी बात की पाते हैं कि जिसे जमाना न पहचान सके हम पहचान लें और एक दोस्त के नाते इसीलिए तुम्हें बुलाया था। लेकिन तुम्हें शक कैसे हुआ कि अजीत रज्जो नाम के एक लड़की का भाई है? एक लड़की का नहीं बहन का भाई है जिसका नाम रजनी है जिसे वो बचपन से रज्जो कह के पुकारता है। ये है जीत की फोटो। स्त्रियों को चलती गाड़ी पे नहीं चढ़ना चाहिए। मैं स्टेशन पर जरा देर से पहुंची थी। मुझे नहीं पता था कि ये फर्स्ट क्लास है। उधर के डब्बे में किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। कोई बात नहीं, बैठ जाइए आप। बैठिए ना। लेकिन मेरे पास तो थर्ड का टिकट है। बहुत भोली हैं आप। अकेली जा रही हैं? जी हाँ। कहाँ तक जाएंगे? देशपुर। देशपुर? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वहाँ कहाँ रहेंगे? जी वहाँ मेरे एक रिश्तेदार हैं। चाय पियेंगे आप? जी लीजिए। थकन और परेशानी दोनों दूर हो जाएंगी। देशपुर में पुलिस इंस्पेक्टर। अरे माफ कीजिए। अब तो बैठ जाइए प्लीज। आप तो इस तरह डर रही हैं जैसे आपने कुछ अपराध किया है और मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा। जी मैंने तो ऐसा नहीं सोचा। आगे वाले तुम अजीत सिंह का घर जानते हो? जी जानता हूँ। मुझे वहां ले चलोगे? बैठो। भैया घर खुला छोड़कर कहाँ चले गए? नाम अजीत सिंह। झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे भैया नहीं हो। नहीं। हूं
रज्जो मेरी बहन रज्जो रज्जो कहाँ को गई राम ये मेरा माल है आने में देर होगी तो जरा खाना पका लो अरे खाने को छोड़ो चाचा देखो देखो कौन आया देख चाचा अरे रजनी बेटी चाचा तुझे पहचान दिया अरे जिसको देखने के लिए तुम इतने आंखें से बेचैन थे क्या मेरे मन की आंखें उसे पहचान नहीं सकती मगर मिली कैसे बस ये समझे चाचा जी कि भगवान ने मेरी जीवन रक्षा के लिए भैया को भेज दिया अरे मैंने कहा था ना कि जिस भगवान ने भाई बहन को जुदा किया है एक दिन वो उन्हें जरूर मिलाएगा जरूर मिलाएगा तो उस लड़की ने तुम्हें अजीत भैया कहा हाँ मगर आप मेरी बात को यकीन क्यों नहीं करते यकीन करके बात की तह तक पहुंचना चाहता हूं तभी तो वही ऊपर आ गई मालिक जब वो लड़की उस्ताद के हाथ से भाग गई और उस लीडर ने उसको बचाने के लिए उस्ताद की वो पिटाई की वो हुजूर मुझे तो इस बात में कोई राज नजर आता है वो उसे क्यों लिपटी और उसने उसे क्यों गले लगाए गले भी मिल गए लिपट भी गई वो लेकिन जिस आदमी के बारे में कभी ये सुना ही नहीं कि उसका भी कोई है ये अचानक लड़की कहां से पैदा हुई पैदा तो बहुत पहले की हो चुकी होगी मालिक पर ये सोचिए कि वह यहाँ आए कैसे मैं तो कहता हूँ कि जरूर कुछ ताल में काला है हाँ इस काले की जानकारी हासिल करनी होगी अनुराज मैं बहुत 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 खुश हूँ जानती हूँ तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई है ना हाँ मैं उनसे मिलने जा रही थी फिर ख्याल आया कि तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो ऐसे क्या देख रहे हो देख रहा हूँ आज श्रृंगार ने भी श्रृंगार किया है जानती हूँ अगर मैं कवि होता तो क्या कहता सोने के गहने क्यों सोने पहने काया तेरी खुद कंचन है केसु बनाए तो फूल क्यों सजाए तेरा बदन खुद गुलशन है अच्छा? सोने के गहने क्यों तूने पहने अंगूठी भी लगती है झूठी इतनी चमक तेरी आंखों में जाओ जाओ झूठे मोती की माला क्यों पहनी बाला मोती छुपे हैं तेरे दांतों में हाय रे मोती छुपे हैं तेरे दांतों में
घड़ी घड़ी दर्पण के, घड़ी घड़ी दर्पण के आगे खड़ी क्यों, तेरा बदन खुद दर्पण है, सोने के गहने क्यों तूने पहने, काया तेरी खुद कंचन है, सोने के गहने क्यों तूने पहने। How romantic! सूरज सा चमके जब तेरा मुखड़ा, माथे पे बिंदिया सजाई क्यों, हाँ सच लाली बिना होंठ लाल है तेरे, होंठों पे लाली लगाई क्यों, होंठों पे लाली लगाई क्यों, सिंगार की हाय मैं मर जावा, सिंगार की तुझे क्या है जरूरत, तेरा सिंगार तेरा यौवन है, सोने के गहने क्यों तूने पहने, काया तेरी खुद कंचन है, केसु बनाए तो फूल क्यों सजाए, तेरा बदन खुद गुलशन है, सोने के गहने क्यों तूने पहने। आपने ट्रेन में मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप अपने रिश्तेदार से नहीं बल्कि सगे भाई से मिलने यहाँ आ रही हैं। भाई और चाचा क्या रिश्तेदार नहीं होते? वाह, अच्छा जवाब दिया आपने। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मुझे यहाँ देखकर आप इस तरह घबरा क्यों रही हैं? जी नहीं तो ट्रेन में भी आप इसी तरह घबरा रहे थे। इन हालात में हम मिल रहे हैं इसका मुझे अफसोस है, मुझे आपसे हमदर्दी भी है, लेकिन अपने फर्ज के सामने मैं मजबूर हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि आपके भाई ने यहाँ के मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन रजनी जी गुनाह आखिर गुनाह ही होता है। नहीं नहीं, मेरे भैया पर कोई इल्जाम मत लगाइए, वो निर्दोष हैं, उन्होंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो तो। अरे रमेश जी आप यहाँ? तुम्हें तो घर से न निकलने का हुक्म हुआ था। तो क्या आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? नहीं, मैं तो इनके भाई साहब को मिलने आए हैं। हाँ। रजनी जब मैंने सुना कि तुम आई हो तो मैं दौड़ी चली आई घर पर। यह है देशपुर मिल के मालिक के नाते, इन्हीं के वजह से आपके भाई साहब को यह मिल चलाने का अधिकार मिला है। ये मेरी बहन के समान है, इनका शुभ नाम है अनुपमा। अच्छा भैया आपके बारे में सारी रात बातें करते रहे। अनु दीदी अब हम तुम बातें करेंगे। लेकिन आपको विनोद से क्या काम है? मामला कुछ ऐसा है, विनोद के बारे में मुझे पूरी जानकारी हासिल करके कोई ठोस कदम उठाना है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कि यहाँ के लोग विनोद को देवता मानते हैं, अगर किसी ने उन पर उंगली भी उठाई तो लोग मारने मरने पर तैयार हो जाएंगे, मिल बंद हो जाएगी और दिनेश अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इन सब बातों से मेरा क्या वास्ता है अनु? अगर वास्ता नहीं तो बताइए उसने क्या किया है? चोरी की है, डाका डाला है, किसी का खून किया है? विनोद के बारे में तुम्हारी सच्ची भावनाओं का आज मुझे पता चला। दरअसल कल रात विनोद और अजीत मस्तान में मारपीट हुई, दिनेश ने रिपोर्ट लिखाई और भैया ने जो कुछ किया ठीक किया है, वो बदमाश मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। वाह आपका जवाब नहीं, चोर चिल्लाया चोर चोर और आप उसे छोड़कर साहूकार को गिरफ्तार करने चले आए। गिरफ्तार किया तो नहीं, आप आ गए।
मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा क्यों? क्या मैं पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि आप कहाँ तशरीफ ले गई थी? ये आप किस हैसियत से पूछ रहे हैं? लाला जी ने कहा था कि आप मजदूरों की बस्ती में नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा था और मैंने सुन लिया था। आप दखल देने वाले कौन? लाला जी की इज्जत की जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे उन्हें कोई तकलीफ हो या कोई आप पर उंगली उठाए। अफसोस मिस्टर दिनेश कि जो जिम्मेदारी आपको दी जाती है आप उसमें कामयाब नहीं हो पाते। मिल आपके सुपुर्द की गई, वहां नुकसान हुआ, मुझ पर निगाह रखने का काम सौंपा गया तो नाना जी की इज्जत का सवाल उठ बैठा। अनु जी आप मेरा अपमान कर रही हैं। अपमान उसका होता है मिस्टर दिनेश जिसका कोई सम्मान हो। आप जा सकते हैं। लाला जी अनु जी वापस आ गई। वापस आ गई जी? तो क्या वो घर से बाहर गई थी? जी हाँ। कहाँ? मैंने ये पूछा तो मुझसे कहने लगी आप कौन होते हैं पूछने वाले। उन्होंने तो मुझे इस घर से निकल जाने तक के लिए कहा, लेकिन मैं आपके लिए अपना फर्ज कैसे भूल सकता हूँ। वो विनोद से मिलने के लिए गई थी। इस लड़की के तो पर निकल आए, बुलवाओ उसे। बुलाकर डांटने या समझाने से कोई फायदा नहीं लाला जी, वो विनोद की शय पे काफी आगे जा चुकी हैं। उन्हें अपने भले या बुरे का कोई ज्ञान नहीं। मैं इस विनोद का खून करवा दूंगा, खून। लाला जी आज 20 साल पहले का जमाना नहीं रहा, जल्दबाजी और जोश में सब कुछ चौपट हो सकता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक सलाह दूं। क्या? अनु मैंने फैसला किया है, जल्द ही तुम्हारी शादी कर, लड़का भी घर में मौजूद है। दिनेश ये कभी नहीं हो सकता नाना जी। क्या तुम मेरे फैसले से इनकार करती हो? जी इसलिए कि ये आपकी नहीं मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर मैं हुक्म दूं तो मैं आपका ये हुक्म मानने से इनकार करती हूँ। खामोश रहो, ये तुम नहीं, तुम्हारी आवाज में विनोद की जलालत बोल रही है। ये जलालत नहीं हकीकत है जो मुझे विनोद से नहीं बल्कि अपनी माँ की भटकती हुई आत्मा से मिली है। मेरी माँ जो आपकी बेटी थी, जिसके लिए आपके दिल में कोई हमदर्दी नहीं थी, कोई प्यार नहीं था, जो आपके जुल्म का शिकार बन गई और जिनकी मौत की जिम्मेदारी आप पर है। अनु तुम मुझ पर बहुत बुरा इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम तो ये भी है कि आपने मेरे पिता का खून कराने की कोशिश की। आप समझे कि वो पागल हो गए, मर गए, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि वो जिंदा है और सही सलामत है। क्या? हाँ। और जब मुझे ये सब मालूम हुआ तो मेरा दिल नफरत से भर गया। मैं आपको माफ न कर सकी, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ रही सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद आप संभल जाएंगे, बदल जाएंगे और मैं अपनी माँ के अरमान पूरे कर सकूंगी। तो तुम्हारे दिमाग में विनोद ने ही नहीं बल्कि विशाल ने भी जहर भर दिया। जहर भरा है आपके दिमाग में दिनेश ने, मेरे खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ। मैं सोचती थी कि मालिक और मजदूर फिर एक हो जाएंगे। मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मजदूरों को मिलती थी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम उन लोगों से मिलकर मेरे खिलाफ साजिश करो। याद रखो मिल पर आज भी मेरा कानूनी हक है। अगर तुम पास ना आए तो तुम्हारा मेरे से कोई वास्ता नहीं रहेगा और मैं तुम्हें अपनी दौलत से बेदख कर दूं। आप भी याद रखिए कि मैं एक मजदूर बाप और हमदर्द माँ की बेटी हूँ, गरीबों के खून से बनी हुई हूँ। ठोकर मारती हूँ आपकी दौलत को। इस दौलत को आप ही ओढ़िए और बिछाइए ताकि ये दुनिया याद रखे, अच्छी तरह याद रखे कि दौलत के नशे में आप अंधे हो गए थे, बेरहम हो गए थे, जालिम हो गए थे, खुद हार हो गए थे। मैं जा रही हूँ नाना जी, हमेशा के लिए। तुम यहाँ? हाँ, आज मैं नाना जी का घर छोड़कर आई हूँ। क्या कह रही हो तुम? पिताजी ने कहा था और आपने समझाया था कि मैं वही रहूं उनका सहारा बनकर और उनके उसूल बदलने की कोशिश करूं, लेकिन वो दिनेश के जाल में इस तरह फंस गए हैं कि ना उन पर सच्चाई का असर होता है ना ईमानदारी का,
अब ना ही प्यार ममता का। वो आपको और मजदूरों को दिए हुए वचन भूलकर सिर्फ एक धनवान की तरह हुक्म चलाना चाहते हैं, हुक्म जिस पर अमल किया जाए। कि नानू, तुम्हारी मुखालफत का जवाब देने के लिए वो कोई भी तरीका इख्तियार कर सकते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हारे पास रहूंगी। ठीक है अनू, लेकिन मैं एक अजीब उलझन में फंसा हुआ हूँ। उलझन? हाँ, मैंने कई बार तुमसे कहना चाहा, मुझ में हिम्मत नहीं हुई। तो आप कह दो। अनु, मैं एक अभागा इंसान हूँ। तुम्हारी हमदर्दी ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। तुम्हारा प्यार मुझे जिंदगी में सब कुछ दे सकता है, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती विनोद। है क्या? कानून। कानून? मैं बालिग हूँ, मुझे नाना जी का एक पैसा नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारा भविष्य बिगड़े। भविष्य तुम्हारी वजह से बिगड़ेगा नहीं, बनेगा विनोद। तुम नहीं समझ रही अनु, कानून की नजरों में मैं एक फरार मुजरिम हूँ। मुजरिम? हाँ, मुझ पर खून का इल्जाम है। एक ऐसे आदमी के खून का इल्जाम जिसने मेरी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश की। वो इंसान नहीं, हैवान था। मैंने रज्जो से सब कुछ सुन लिया। हाँ अनु दीदी, पिस्तौल की गोली अनजाने में चली थी। वो कमीना भैया को मारने की कोशिश में खुद मरा और इल्जाम इन पर लगा। मैंने अपील भी की थी, लेकिन जब मुझे पता चला रज्जो घर से चली गई, तब मैं एक डाकू की मदद से जेल से फरार हो गया। उस रात ट्रेन में जब तुमसे मिला, तब भी मैं इसी की तलाश में भटक रहा था। लाला जी, अन्नू जी वापस नहीं आएंगे और मिल भी हमारे हाथ से गई। रणवीर को बुलाओ, अन्नू के भगाने के इल्जाम में विनोद और विशाल को गिरफ्तार किया जाए। अन्नू जी अपनी मर्जी से गई हैं और वो बालिग हैं। तो फिर मिल बंद कर दो, जब लोग भूखों मरेंगे तो पता चल जाएगा। लाला जी, मिल हमने मजदूरों को बाकायदा एग्रीमेंट करके दी है, इसीलिए हम विनोद के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ओफो, मैंने बिना सोचे समझे अनु की उस वक्त बात मान ली, अब क्या होगा? मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। वो क्या? अगर आप इजाजत दें तो बारूद लगाकर मिल को उड़ा दिया जाए। ये क्या बक रहे हो? यही एक तरीका है लाला जी, एक तीर और दो निशाने। मिल का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी दे देगी और मैं ऐसे गवाह तैयार कर लूंगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि विनोद और विशाल ने मिल में आग लगाई है। आपके एक इशारे पर रणवीर उन्हें गिरफ्तार कर लेगा और फिर अन्नु जी को लाचार होकर आपके पास आना पड़ेगा। अजीत जी, इसे गौर से देखो, ये मिल का नक्शा है। यहाँ डायनामाइट लगाकर हम मिल को उड़ा सकते हैं और उसके बाद विनोद और उसके साथियों को आसानी से कानून की जाल में फंसा सकते हैं। पिताजी, आप इस हवेली में फिर वही कहानी दोहराने जा रहे हैं, लेकिन किसके लिए? कौन भोगेगा इस दौलत को? इतना याद रखिए, मेरी आत्मा उस वक्त तक भटकती रहेगी जब तक कि आप मेरी बेटी के साथ न्याय नहीं करेंगे। लाला जी, आप अपने झूठे अभिमान में अंधे हो रहे हैं। आपके जुल्म के कारण आपकी बेटी को बेमौत मरना पड़ा। आपने उसके पति का कत्ल करवाना था और अब आप अपनी मिल में आग लगाकर अपनी जिद पूरी करना चाहते हैं। सोचिए, इससे आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आप भी याद रखिए कि मैं एक मजदूर बाप और हमदर्द माँ की बेटी हूँ, गरीबों के खून से बनी हुई हूँ। ठोकर मारती हूँ आपकी दौलत को, इस दौलत को आप ही ओढ़िए और बिछाइए ताकि ये दुनिया याद रखे, अच्छी तरह याद रखे कि दौलत के नशे में आप बेरहम हो गए थे, जालिम हो गए थे, खुदगर्ज हो गए। वाह लाला जी, अपना ही घर फूंक कर तमाशा देखना चाहते हैं आप? बदले की आग ने आपको पागल बना दिया है, जो अच्छे बुरे की तमीज भी आपको नहीं रही। मिल आपकी शौक से आग लगा दीजिए, लेकिन इतना याद रखिए कि इस मिल की राख से जो धुआं उठेगा
वो गरीब मजदूरों के बच्चों की आहें होंगी जो आपको कभी चैन की नींद नहीं सोने देंगी। मुझे पता लग चुका है, मैं अभी पुलिस को लेकर वहां पहुंचता हूं। आप नहीं जानते इंस्पेक्टर साहब, बदला लेने के लिए आग विनोद ने लगाई। क्या कहा? पता नहीं बदमाशों ने कहां कहां बारूद लगाया है। विनोद, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। विनोद, अच्छा तुम लोग आग पर काबू पाने की कोशिश करो और मैं इन बदमाशों से निपटता हूं। नहीं, छोड़ दो दादा। मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया और तुमने मुझे इस वक्त बचा लिया। पुरानी बातें भूल जाओ लाला जी। विशाल, मेरी चिंता ना करो, मिल को बचा लो। अपनी मिल को बचा लो विशाल। ये मिल हम सब लोगों की है लाला जी, हम इसे जरूर बचाएंगे। घबराए नहीं लाला जी, ये सब प्रस्तुत विनोद की है, मैं उसे अभी गिरफ्तार करता हूँ। नहीं नहीं रंजीत, विनोद बेगुनाह है। क्या? ये सब कसूर मेरा है, मैं दिनेश के बहकावे में आ गया, ये आग उसी ने लगाई। दिनेश ने Shh!
लालाजी मुझे माफ कर दीजिए। रणबीर, इस कमबख्त को गिरफ्तार। दिनेश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ले जाओ इसे, ले जाओ। पहले तुमने मजदूरों को नई जिंदगी दी और आज तुमने मिल की रक्षा की। तुम्हारे लिए तो बड़े से बड़ा इनाम भी थोड़ा है बेटा। विनोद भैया की जय। विनोद भैया की जय। विनोद भैया की जय। चाचा, मेरा इनाम तो इंस्पेक्टर साहब के पास है। इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूं आपने सब कुछ जानते हुए भी मुझे इतना वक्त दिया कि मैं अपना फर्ज पूरा कर सकूं, लेकिन आज मुझे कोई चिंता नहीं, ना मिल की, ना अपने मजदूर भाइयों की और ना अपनी बहन की। आपका अजीत हाजिर है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, जब बलदेव ने अजीत को अपनी पिस्तौल का निशाना बनाया तो अजीत ने उसका हाथ पकड़ लिया था। इसके बाद दोनों में काफी हाथापाई हुई और इस छीना झपटी में बलदेव अपनी पिस्तौल से खुद अपने ही हाथों मारा गया। न सिर्फ भाई बहन के प्यार की मिसाल अदालत के सामने मौजूद है, बल्कि एक ईमानदार और दूसरों के लिए अपनी जान पर खेलने वाले अजीत से भी लोगों को नसीहत लेनी चाहिए। मुकदमे के हालात और खास तौर पर गवाह मोती के बयान पर यकीन करते हुए मैं मुल्ज़िम अजीत सिंह को बलदेव सहाय के कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करता हूं। लेकिन जेल से भागने का जुर्म अजीत सिंह के खिलाफ साबित है, मगर मुल्ज़िम जो सजा पहले ही भुगत चुका है वो इंसाफ के मकसद को पूरा करती है, इसलिए मुल्ज़िम अजीत सिंह को रिहा किया जाए। चमका पसीना बनके नगीना, काली रात बीती रे काली रात बीती, मेहनत जीती रे मेहनत जीती, मेहनत जीती रे मेहनत जीती, मेहनत जीती रे मेहनत जीती।